आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। करनाल जिले के गांव गगसीना के रहने वाले फ्लाइंग संधू के नाम से फेमस जसमीर सिंह ने अंदरूनी के अंदाज में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। फ्लाइंग संधू ने 8 घंटे 40 मिनट में 73.24 किलोमीटर दौड़ लगाकर वापस अपने गाँव में आकर ध्वजारोहण किया। इस बीच सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फ्लाइंग संधू के नाम से मशहूर हरियाणा के जसमेर सिंह संधू ने एक बार फिर नया कारनामा कर दिखाया है। इस बार देश के 73वें गणतंत्र दिवस को अपने ही अंदाज में मनाते हुए जसमेर सिंह संधू ने 73.24 किलोमीटर की दौड़ लगाई। ये दौड़ जसमेर सिंह संधू ने 8 घंटे 40 मिनट में पूरी की। जसमेर सिंह संधू के मुताबिक 73वें गणतंत्र दिवस पर 73 किलोमीटर दौड़ लगाकर वो युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। करनाल के गगसीना गांव के मूल निवासी जसमेर सिंह संधू पहले भी ऐसे कई कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में अपना 63वां जन्मदिन 63 किलोमीटर दौड़ लगाकर मनाने के बाद जसमेर संधू सुर्खियों में आ गए थे। इससे पहले किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार 24 घंटे दौड़ते हुए जसमेर सिंह संधू 140 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। जसमेर सिंह संधू ने अपनी दौड़ की शुरुआत गगसीना गांव स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक से की। संधू ने 26 जनवरी को सुबह करीब 4 बजे दौड़ना शुरू किया और 27 गांव सहित घरोंडा व करनाल से होकर गुजरते हुए कुल 73.24 किलोमीटर की दौड़ लगाई। 73 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर जसमेर सिंह संधू वापस शहीद भगत सिंह स्मारक पहुंचे तो सैकड़ों गांव वासियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके इस नए अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाने के जश्न में शामिल हुए। जसमेर सिंह संधू ने इस मौके पर अपनी दिवंगत पत्नी की याद में शंकुंत मेमोरियल रनर फाउंडेशन की शुरुआत भी की। जसमेर संधू के मुताबिक उनकी संस्था का मकसद गांव देहात में छिपे हुए खेलों के टैलेंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। इसके लिए वह गांव-गांव में अलग अलग कार्यक्रम चलाकर युवाओं को खेलों से जोड़ने व ट्रेनिंग देने के प्रयास करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।